हेलो स्टूडेंट्स, पुनः आपके बीच एक नई क्लास जो इतिहास की और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी या अन वन डे एग्जाम सभी में ये प्रश्न आपको मिलेंगे और समग्र इतिहास कहा जाए इस चैप्टर को तब भी उचित है क्योंकि इसमें सारे चीज़ें हमने दे रखी हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके विषय में हम आपको जल्दी से चर्चा करते हैं कि देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि अमुक्तमाल्यद ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि भाषा कौन है। पहली चीज़ यही पूछ देंगे भाषा कौन है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भाषा की बात करेंगे तो ये तेलुगु भाषा में थी, ठीक है। और किसकी रचना है तो कृष्णदेव राय की है। किसकी है? कृष्णदेव राय की है। तो ये चीज याद रखना। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्ट दिग्गज इसी के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक शासन किया था और विजयनगर का शासक था, महान शासक। इसके दरबार में तेलुगु भाषा कितने 8 कवि रहते थे जो अष्ट दिग्गज के नाम से जाने जाते थे। इसने हजारा और विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नागलपुर नामक नगर में अपनी यानी कि माता के नाम से इसने बसाया था। माँ का नाम नागलपुर था, नागरपुर, तो इसी नाम से यानी कि ये शहर बसाया था। ये भी चीज याद रखना। विजयनगर सबसे महान शासक था। देखो श्वेतांबर संप्रदाय, देखो श्वेतांबर मीन्स होता है सफेद वस्त्र धारण करने वाले। तो जैन धर्म का एक संप्रदाय जिसने भिक्षू कैसे पहनते थे, वह सफेद वस्त्र पहनते थे। इन्होंने 12 अंगों सहित धर्म सूत्र को मान्यता दी है। ये स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त का अधिकारी मानते थे श्वेतांबर, लेकिन दिगंबर नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन की विक्रम खोल गुफा, देखो याद रखना विक्रम खोल गुफा एक विक्रम शिला विश्वविद्यालय है और यहाँ विक्रम खोल गुफा की बात करते हैं। ये गुफा कहाँ है? तो उड़ीसा के झारसुगुड़ा में है और कहा जाए कि बेल पहाड़ नामक रेंज पर ये स्थित है। और विक्रम शिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये भागलपुर में है। उसकी स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला देखिए, अगला दिया है कि लेओ लुइस तकनीक। देखो लेओ लुइस तकनीक, इस शब्द का प्रयोग मध्य पाषाण काल में के दौरान किया गया था। यह विशिष्ट प्रकार के पत्थर की बुनाई थी, ठीक है। इससे प्रागैतिहासिक काल के शल्क उपकरण बनाए जाते थे और इसका प्रयोग नेथंडल लेवत जैसे आधुनिक मनुष्यों द्वारा किया गया था, जो मानव द्वारा यानी काजा पहली बार प्रयोग हुआ। यह तकनीक अफ्रीका से शुरू हुई होकर यूरोप और इसके बाद मध्य एशिया के क्षेत्र में विकसित हुई थी। शारदा लिपि क्या है, जरा इसके विषय में जान लो कि शारदा लिपि इसका प्रयोग पश्चिमी भारत में होता था। कहाँ होता है? पश्चिमी भारत। इसका प्रयोग करके गाथा भाषा में लिखी गई व्याख्याशाली पंडुलिपि का संबंध है, जैसे कि भिन्न हो गया, वर्गमूल हो गया, समांतर और गुणोत्तर, ये श्रेणी आती हैं, तो ये शारदा लिपि कही जाती है, ठीक है। अब आर्यभट्ट का नाम सभी ने सुना होगा कि आर्यभट्ट इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से था? ये ग्रंथ याद रखना कि 10 गीत का थी, आर्यभट्टियम थी, है ना, ये चीज इनकी थी। और जैमित विधि के ये महान ज्ञाता थे और कहा जाए पाई का इन्होंने मान भी ये नहीं ने बताया था। तो ये थे आर्यभट्ट। तो ये चीज अगला देखिए कि शाङ्गधर संहिता ये आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ है जिसके लेखक शाङ्गधर थे। यानी कि आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ पूछा जाएगा तो शाङ्गधर संहिता है। और कहा जाए आयुर्वेद का अगर किस वेद में उल्लेख हुआ है तो अथर्वेद में हुआ है। वेद कितने हैं? तो 4 हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्वेद। अथर्वेद सबसे बाद में है। इसमें रास भेद और ऋतुओं का विभाजन और नाड़ी परीक्षा का भी सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये चीज याद रखना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
ये 4 जुलाई 1947 को संसद में पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृत मिली थी। तो ये डेट याद रखना। इसी अधिनियम ने भारत पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्य यानी कि बन गए थे, और कहा जाए इसमें प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र संविधान निर्माण का पूर्ण अधिकार था कि आप अपना संविधान बनाइए और भारत वाले अपना संविधान बनाएंगे। शिवाजी, देखो शिवाजी ने 1774 से 1780 के बीच शासन किया और कहा जाए छत्रपति की उपाधि धारण की थी, और कहा जाए मराठा वंश के महान शासक यानी कि छत्रपति शिवाजी थे, और शिवाजी के समय पुरंदर की संधि हुई थी और कहा जाए इन्होंने 35 किले जीत लिए थे। जब संधि हुई तो 12 किले अपने पास रखे, शेष किले किसको दे दिए थे, मुगलों को दे दिए थे। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना। अगला देखिए कि 1946 में, देखो ध्यान देना, 1946 में तोरणा के किले पर कब्जा किया था, 1956 में जावली के किले की घाटी पर कब्जा कर लिया, 1959 अफजल खां पर आक्रमण किया और कहा जाए अफजल खां को तो मार दिया था, मारा गया था, कौन, अफजल खां मारा गया था, और 1663 में शाइस्ता खां पर आक्रमण किया, इसमें इसका बेटा मारा गया था लेकिन ये भाग जाता है, बेटा मारा जाता है लेकिन ये खुद शाइस्ता खां बच जाता है। ये औरंगजेब का कौन था, तो औरंगजेब का मामा था, ये रिश्ते में औरंगजेब का कौन था, औरंगजेब का मामा था। तो ये चीज याद रखना, इसी वजह से उसने माफ कर दिया, नहीं मार देता है इसको। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को कटक में इनका जन्म हुआ था, और 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और कहा जाए कि इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, चौथा स्थान प्राप्त किया था, और लंदन में जाकर ये परीक्षा दी थी, और कहा जाए वहां पर भारतीयों ने अपना झंडा गाड़ दिया। इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, 1920 में इन्होंने लिखी थी, 1920 से 1942 नामक, यानी कि इसमें जानकारी मिलती घटनाओं का। और अलवर कौन है, अलवर ये वैष्णव संत हैं, एक नैनवार हैं एक अलवर हैं, तो अलवर अगर आ जाए तो वैष्णव संत लगाना है। इनकी संख्या 12 थी, अलवर संतों की संख्या कितनी थी, 12। और यही चीज इसमें मात्र एक महिला थी जिसका नाम क्या था, अंडाल था, ये एक मात्र महिला संत थी। और नैनार की अगर संख्या पूछी जाए, ये 6 संत से थे, इनकी संख्या पूछी जाएगी तो 63 लगा के आना। ठीक है, तो ये चीज पूछी भी जा रही है, कई बार पूछा गया है। अगला देखिए दिया है पद और उनके अर्थ। नगरकड़ी, ये नगर के स्वामित्वाधीन भूमि होती थी। और नटटर, ये गांव का जल प्रबंधन था। यूफ, ये यज्ञ बल का स्तंभ था। वीरंगल क्या है, तमिलनाडु क्षेत्र में वीर शिला था। और देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, ये बहुत पूछा जाता है, जो कहा जाइए उत्तर प्रदेश में ललितपुर में मंदिर था, और ये पहला मंदिर है, ये याद रखना कि पहला मंदिर ये गुप्त काल में बना था, गुप्त काल में मंदिरों की शुरुआत हुई थी, इसका संबंध 6वीं शताब्दी गुप्त काल से है। उत्तर भारत का प्रथम ये कैसा शिखर युक्त मंदिर था। नटराज प्रतिमा कहाँ से है, तो ये भी याद रखना, नटराज प्रतिमा पूछा जाता है, ये कहाँ से की है निर्मित, ये प्रतिमा चोल काल की उत्कृष्टता का प्रमाण है, यानी कि चोल वंश ने जो शासन किया था, तो ये कहा जाए कि चोल वंश भी महान शासक हुए थे, उसमें राजेंद्र चोल और कहे राजराज जो प्रथम था उसकी वीरता का उल्लेख भी मिलता है। इसमें शिव को उनके दाहिने पैर और संतुलित रूप से खड़े हुए दिखाया गया है, जो तिरुभाव का घोतक है। शिव का उठा हुआ बायां और भुजंग ग्रसित की स्थिति में दिखाया गया है, जो भक्त के मन में माया हटा देने का घोतक है। मुख दाहिना हाथ शिव का प्रिय वाद्य यंत्र यानी कि डमरू पकड़े हुए हैं, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अब हाथी गुफा अभिलेख, ये बहुत पूछा जाता है, वास्तव में हाथी गुफा अभिलेख कहा जाए, ये हाथी गुफा अभिलेख जो था, कहा जाए भारत में भारत शब्द का पहली बार उल्लेख अगर मिलता है तो हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। और हाथी गुफा अभिलेख में
पहली बार नहरों का उल्लेख किसमें हुआ तो हाथी गुफा अभिलेख में हुआ, और पहली बार इसी में एक शूद्र शासक का उल्लेख हुआ महापद्मानंद का, जिसने कहा जाए कि वास्तव में ये वीर पुरुष जिसने कि कहा जाए कि कहाँ पर शासन किया था कि ध्यान देना कि इसका जो मगध साम्राज्य था तो मगध साम्राज्य पर इसका शासन था, और कहा जाए उस समय मगध राज पर जब इसने शासन किया है तो सबसे पहले इसने एक अच्छा कार्य ही किया, क्योंकि शूद्र शासक था उसका मेन उद्देश्य था कि किसानों की समस्या। तो एक शूद्र शासक था तो उसके यहाँ एग्रीकल्चर का कार्य होता था, तो उसने सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया। प्राचीन काल में अगर नहरों का निर्माण करता पूछा जाता है तो महापद्मानंद को लगा के आएंगे, मध्यकालीन में पूछा जाए तो ग्यासुद्दीन तुगलक को लगाएंगे, और अगर नहरों का जाल पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक लगाएंगे, और मुगल काल में नहरों का निर्माण पूछा जाए तो किसको लगाएंगे, तो याद रखना कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो याद रखना शाहजहां, तो शाहजहां को लगाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि इतने लोगों ने नहरों के विषय में यानी कि उल्लेख मिलता है, ठीक है। और उसने तमिल राज्यों के 113 वर्ष पुराने त्रिमया देश का संगठन को विनष्ट कर दिया था। यह अभिलेख उड़ीसा के उदयगिरी में स्थित है। यह अभिलेख प्रकृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। शंकर देव, अब देखो कलिंग नरेश, ये खारवेल की बात हम कर रहे हैं, इसकी स्थापना की थी 13वें वर्ष की, उसी ने ये खारवेल हाथी गुफा अभिलेख है उसी का। शंकर देव ये असमिया भाषा में प्रसिद्ध कवि थे, वैष्णव संत थे। शंकर देव, इनकी शिक्षाओं को भगवती धर्म के रूप में जाना जाता है। इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए मठों के और प्रार्थना घरों को स्थापित करने का प्रोत्साहन किया था। कीर्तन घोष इनकी प्रमुख रचना शामिल थी। अब्दुल रज्जाक के विषय में सभी जान रहे होंगे कि ये फारस का शासक था। 15वीं शताब्दी में ये राजदूत बनकर कालीकट पहुंचा था। कहा जाए कि देवराय द्वितीय के समय ये आया था। कालीकट की किलेबंदी सर्वाधिक प्रभावित थी, और ये किसके समय आया तो देवराय द्वितीय के समय आया। देवराय द्वितीय के समय ये आया था। देवराय के समय दो आए थे, डिगमो पायस आया था और बरबोसा आया था। ये पुर्तगाली थे, ये बहुत पूछा जाता है, तो उनको भी याद रखना, ठीक है। अगला देखिए, अब ये है मध्यकालीन। मध्यकालीन दक्षिण भारत, इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। संख्याओं को यानी कटायाद पद्धति का आविष्कार वारुचि ने किया था, और इसका उपयोग वर्ष में किसी भी दिन चंद्रमा की स्थित की परकलन करने के लिए किया जाता था। तो ये चीज़ याद रखना। और कहा जाए कि वास्तव में कि उस समय यानी कि मध्ययुगीन भारत की भी बात हम लोग आज करेंगे कि मध्ययुगीन भारत, मध्ययुगीन भारत का इतिहास इसकी शुरुआत 712 में होती है, और कल हम लोग बहुत चीज़ें देख चुके थे, जैसे किसको किसको देखे थे, मोहम्मद बिन कासिम को देख चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम पढ़ चुके हैं, मोहम्मद गौरिक पढ़ चुके हैं, मोहम्मद गजनवी, और किसको, मोहम्मद गौरी को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐबक के विषय में। किसके विषय में? ऐबक के विषय में। ऐबक के विषय में आज हम लोग चर्चा अभी बस थोड़ी देर में करेंगे कि ऐबक वास्तव में गुलाम वंश का देखा जाए किस संस्थापक था, और ऐसा व्यक्ति जो एक दास के रूप में भर्ती हुआ और बाद में ये यानी कि एक वंश की नींव डाल दी, और वो था गुलाम वंश। और कहा जाए कि मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय दास था, और मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था। ऐबक के विषय में कहा जाता है कि ऐबक
यानी कि अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था, और उसे यानी कि घर से बहुत कम निकलने दिया जा रहा था। तो उसके अन्य जो भाई थे ईर्ष्या करने लगे, और एक बार इसको मेला दिखाने के बहाने जब बाजार ले जाते हैं वहाँ पर इसको बेच दिया जाता है। तो निशापुर का एक अब्दुल था, उसने इसे खरीदा, और जब उसकी मृत्यु हो जाती उसने शिक्षा दीक्षा दी, और वो वास्तव में उस समय का काजी था निशापुर का। और जब वो ख़त्म होता है तो उसके बेटा इसको बेच देते हैं, तब इसे कौन प्राप्त करता है, मोहम्मद गौरी प्राप्त करता है, जो बाद में उसका सबसे प्रिय दास हुआ। तो मित्रों तीन दास थे मोहम्मद गौरी के, ऐबक था, यलदोस था, कुबाचा था, लेकिन सबसे प्रिय उसका ऐबक था जो मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत होती है। इसके बाद ये शासक बनता है और लाहौर की गद्दी से ये शासन करता है। दिल्ली ये कभी नहीं पहुंच पाया क्योंकि उस समय यलदोज का इसका युद्ध बराबर चल रहा था, तो इस वजह लाहौर से इसने शासन किया था। इसके विषय में आज हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। वास्तव में आज जो गुलाम वंश हम लोग पढ़ाएंगे, आप लोग कभी ज़िंदगी में उससे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और इसके बाद हम क्लास वही लेंगे और पढ़ाते हैं आप लोगों का आज गुलाम वंश। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं पुनः।